स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम एनिमल एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम की राइटर हैं वाल्ट व्हिटमन। यह पोएम क्लास 10 CBSE में है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। कभी कह रहा है, कभी कहता है कि वह सोचता है, वह चाहता है कि वह पशु बन जाए, जानवर बन जाए और पशुओं के साथ रहे। और ऐसा वह क्यों चाहता है यह भी बता रहा है, क्योंकि पशु शांत होते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं। शांत होने से अर्थ है कि पशुओं में विचारों का बवंडर नहीं चलता। कुछ हिंसक पशु होते हैं, हिंसा करना उनका नैसर्गिक स्वभाव होता है, लेकिन उनके दिमाग में हलचल नहीं चल रही होती है विचारों की। मनुष्य की तरह हमेशा उधेड़बुन में लगे रहना या तमाम तरह की बातें सोचना और फिर उग्र हो जाना, ऐसा पशुओं का स्वभाव नहीं होता। और वे आत्मसंतुष्ट भी होते हैं। आत्मसंतुष्ट से मतलब है कि प्रकृति ने जितना उपलब्ध कराया है, जितना दिया है, उतने से वे संतुष्ट होते हैं। उन्हें और ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं होती। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनको देखना चाहता हूँ, उनका जीवन कैसा है, कैसे रहते हैं लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक या हमेशा के लिए। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट का मतलब तो वैसे पसीना होता है, पर यहाँ परेशान होने से है, और व्हाइन का मतलब है कराहना। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, क्योंकि जो पशु होते हैं वे अपनी स्थिति को लेकर परेशान नहीं होते और ना ही कराहते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी स्थिति को देखकर हमेशा कोसता रहता है अपने आप को या दूसरों को। ऐसा कुछ पशु नहीं करते, ना तो वे अपनी स्थिति से परेशान होते हैं, ना ही वे कराहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे फला चीज़ चाहिए या फला व्यक्ति के कारण मेरा नुकसान हुआ। तो जो भी स्थिति उनकी होती है उनके लिए सामान्य सी बात होती है, वो अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स। और पशु झूठ भी नहीं बोलते, क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ झूठ ही बोलता रहता है, पशु झूठ नहीं बोलते और रात में जागकर अपने किए गए पापों के लिए पश्चाताप भी नहीं करते, रोते भी नहीं, क्योंकि जब वे झूठ ही नहीं बोलते या दूसरे तरह के पाप या गलत कार्य नहीं करते तो उनको पश्चाताप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रात को वे चैन से सोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वे मुझे मनुष्यों की तरह नहीं बताते, मनुष्यों की तरह मुझसे बीमार बातें नहीं बताते, जैसा कि मनुष्य बीमार बातें बताता रहता है कि ईश्वर के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं। प्रायः मनुष्य एक दूसरे को बताते हैं कि जब करो तब करो, व्रत करो,
ये इससे ईश्वर खुश रहेगा, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को करो। तो ये सब बीमार बातें हैं कभी के दृष्टिकोण से, तो पशु ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं है, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। कोई कभी नहीं कहता कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि उन्हें जितना कुछ चाहिए होता है उतना उन्हें मिला होता है, उन्हें हमेशा इस बात का एहसास रहता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग। मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग से मतलब है, मेनिया एक प्रकार का मनोरोग होता है जो किसी खास वस्तु के लिए अत्यधिक चाह होने पर होता है। तो इंसान प्रायः मेनिया रूप से ग्रसित होते हैं, और मेनिया होती है हर चीज़ को अधिक मात्रा में पा लेने की, चाहे धन हो वो भी अधिक चाहिए, स्वास्थ्य हो वो भी अधिक चाहिए, गाड़ी बंगला हो वो भी बहुत अधिक चाहिए, दोस्त मित्र बंधु बांधव हो वो भी बहुत अधिक चाहिए। तो इस तरह का अधिक चाहने वाला जो पागलपन है, ऐसे पागलपन से भी वे पशु पागल नहीं होते। कवि का कहना है कि वे कभी असंतुष्ट नहीं रहते, और दुनिया में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उस पर अपना अधिकार पाने के लिए, अधिकार पाने की जो चाहत, अत्यधिक चाहत है, जो इस मनोरोग का रूप ले चुकी है, तो ऐसे मनोरोग से वे पीड़ित नहीं होते, वे पागल नहीं होते। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। पशुओं में कोई भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। घुटने टेकने से मतलब है आत्मसमर्पण करना, दास बन जाना। तो पशुओं में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि किसी दूसरे पशु के सामने झुक जाए, उसकी प्रभुता स्वीकार कर ले, उसका दास बन जाए, जैसा कि मनुष्य करते हैं, अपने जैसे ही लोगों के सामने झुक जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और दासता स्वीकार कर लेते हैं, या फिर ऐसे लोगों के सामने झुकते हैं जो हजारों साल पहले हुआ करते थे, उन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, चाहे राम कह लें, चाहे जीसस क्राइस्ट कह लें, या पैगंबर कह लें। तो इन लोगों को हम ईश्वर मानते हुए उनके सामने झुकते हैं, सिर झुकाते हैं, तो ऐसा कुछ पशु नहीं करते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस पूरी दुनिया में कोई भी पशु सम्मानी नहीं है। अगर सम्मानी नहीं है तो सम्मानहीन भी कोई नहीं है, मतलब सब एक स्थान पे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मनुष्यों के समूह में किसी को समाज में ज़्यादा सम्मान मिल रहा होता है या मिलता है, और किसी को उपेक्षा मिलती है, तो ऐसा पशुओं में नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे धरती पे जितने भी पशु हैं एक समान है, ना कोई अति सम्मानित है ना कोई उपेक्षित है। आर अनहैप्पी या फिर कोई दुखी ही है। तो पशुओं में ना कोई अति सम्मानित है, ना कोई उपेक्षित है, ना कोई दुखी है। सो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सपेक्ट देम। और इस तरह से पशु एक संबंध दिखाते हैं मेरे से, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति भी पशुओं जैसी ही है, क्योंकि ना मैं सम्मान की इच्छा रखता हूँ, ना अपमान से घबराता हूँ, ना कुछ पाने की चाहत है, ना मेरे अंदर विचारों का बाउंडर चलता है। तो इन कारणों से मैं पाता हूँ कि पशु मेरे जैसे हैं या मैं पशु जैसा हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट देम, और मैं उनको स्वीकारता हूँ। स्वीकारने से मतलब है कि मैं उन्हें मनुष्यों से बेहतर मानता हूँ, बेहतर पाता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। जो टोकन का मतलब है चिन्ह, तो जो मेरे चिन्ह हैं, मेरे चिन्ह से मतलब है कि जो चिन्ह मनुष्य जाति में होने चाहिए, वे चिन्ह उनमें पशुओं में पाए जाते हैं।
They evince them plainly in their possession. वे अस्पष्ट रूप से अपने उपलब्धियों का, अपने अधिकारों का इशारा करते हैं कि उनके पास क्या कुछ है. जैसे हमारे कुछ धर्मगुरु होते हैं जिन्हें हम मानते हैं ज्ञानी हैं, उन्हें मनुष्यों से ऊपर मानते हैं, और उनका उपदेश यही होता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, क्रोध मत करो, संतानोत्पत्ति के लिए ही काम करो, या फिर संग्रह आवश्यकता से अधिक मत करो. तो यह बातें धर्मगुरु बताते हैं और हम सुनते हैं, उसका अनुकरण करते हैं या नहीं करते हैं यह बात की बात है. लेकिन पशु स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं, ना तो वे आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं और ना ही कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी अनावश्यक अहिंसा, ना कभी अनावश्यक हिंसा करते हैं, ना इस तरह की दूसरी बुराइयां करते हैं जिनको करने के लिए मनुष्यों में निषेध कहा गया है. बताने पर, समझाने पर भी मनुष्य करता है, पर पशु बिना बताए, बिना कहे उन सभी नियमों का पालन करते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन. मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसे चिन्ह पशुओं में कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे गुण पशुओं में कहाँ से आ जाते हैं जो गुण मनुष्य समझ कर भी नहीं समझ पाता, वह गुण पशुओं में बिना समझाए कहाँ से आ जाता है. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड निग्लिएबल ड्रॉप देम. डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने उसको बहुत समय, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैंने उसे बहुत समय पहले ही निग्लेक्टली ड्रॉप देम. क्या हमने, यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या हमने उन गुणों को बहुत पहले ही छोड़ दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है. मतलब बहुत पहले से मतलब है कि जब मनुष्य जानवरों की ही तरह रहा करता था तो जानवरों वाले सारे गुण मनुष्य में थे, फिर मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होता चला गया. तो जब सभ्य हुआ, सभ्यता आती गई और जो स्वाभाविक गुण थे वो छूटते चले गए. तो कभी पूछता है कि क्या हमने इन स्वाभाविक गुणों को जो पशुओं में अभी भी विद्यमान है, क्या इंसानों ने इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है.